मुख्यमंत्री की सत्ता पर दोबारा काबिज होने के बाद पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आएंगे। पीएम मोदी 6 जुलाई को अपने एक दिवसीय दौरे पर काशी आएंगे। अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी हरहुआ के प्राइमरी स्कूल जाएंगे, जहां पीएम मोदी स्कूल में आनंद कानन नवग्रह वाटिका का वृक्ष लगाएंगे। पीएम के साथ स्कूली बच्चे भी वृक्षारोपण करेंगे। पीएम के दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के निर्देश दिए हैं। स्कूल के आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ावा दिया गया है। वहीं पीएम के दौरे को लेकर सड़कों का निर्माण कार्य भी कराया जा रहा है। इस बार प्रदेश में 22 करोड़ पौध रोपण का लक्ष्य जो वन विभाग ने तय किया है और ये अगस्त महीने तक पूरा प्रदेश यहाँ कराएगा। 22 करोड़ का ऐतिहासिक लक्ष्य है। जितनी हमारी जनसंख्या, यानी कि एक व्यक्ति एक वृक्ष के कॉन्सेप्ट पे ये काम हो रहा है, और उसके बाद 27,50,000 लक्ष्य हमारे जनपद वाराणसी का है। और इसमें आप जहाँ खड़े हैं वो पंचक्रोशी मार्ग है, जो आस्था का प्रतीक है, सदियों से लोग यहाँ परिक्रमा करते आए हैं। तो इसको एनवायरनमेंट से, पर्यावरण संरक्षण से जोड़ते हुए इसमें बृहद वृक्षारोपण का कार्ययोजना बनाई है। 2,21,000 पेड़ ये पंचक्रोशी मार्ग और इससे जुड़े हुए गांवों में लगाएंगे, ताकि पूरी एक ग्रीन बेल्ट बन सके, एक हरियाली का रास्ता बन सके। और इसका जो शुभारंभ है वो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 6 तारीख को हरहुआ में ये प्राथमिक पाठशाला का ग्राउंड है, जहाँ से शुभारम्भ किया जाएगा। और इसमें सभी लोगों को जुड़ने की यहाँ से अपील की जाएगी, एक संदेश दिया जाएगा, खासकर बच्चों को, जो स्कूली बच्चे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनको जोड़ने की यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी उनसे अपील करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र से ही देशव्यापी बीजेपी की सदस्यता अभियान की भी शुरुआत करेंगे। पीएम के कार्यक्रम को देखते हुए जिला प्रशासन से लेकर पार्टी कार्यकर्ता तैयारियों में जुट गए हैं। वाराणसी से न्यूज़ के लिए श्याम सुंदर की रिपोर्ट।